हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय रेलवे ज्वाइन करने का सुनहरा मौका लेकर आ चुकी हूँ। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में सीधी भर्ती होने जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसे आप देख सकते हैं 4400 प्लस वैकेंसीज आ रही हैं। यदि आपने भी 10वीं और ITI कर रखी है तो आप भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जो पोस्ट आ रही है वो अप्राइंस की पोस्ट आ चुकी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो टोटल 4499 वैकेंसीज हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए, जैसे मशीनिस्ट के लिए 208, फिटर के लिए 934, वेल्डर के लिए 408, डीजल मैकेनिक के लिए 533, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक के लिए 142। आगे बढ़ते हैं और बाकी की ट्रेड्स भी देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 120, इलेक्ट्रीशियन के लिए 973, लाइनमैन के लिए 136, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं 270, मजून के लिए 446 वैकेंसीज। अगर कारपेंटर की देखें तो 97 वैकेंसीज आ चुकी हैं और पेंटर के लिए 180 वैकेंसीज, टर्नर के लिए 12 और फिटर स्ट्रक्चरल के लिए 40 वैकेंसीज आ रही हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या रिक्वायर्ड जो है एलिजिबिलिटी रखी गई है। अगर एज लिमिट की बात करें तो जो आपकी उम्र है वो 15 से 24 इयर्स के बीच बीच होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलने वाली है, जैसे SC ST को अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, OBC को 3 इयर्स और एक्स सर्विस मैन और PWD को 10 इयर्स। दोस्तों, आगे बढ़ते और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखिए, यदि आप भी ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्राइंस की वैकेंसीज आ चुकी हैं, अगर आप इन पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने 10वीं पास कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट, बट ध्यान दीजिए, आपके कम से कम 50% मार्क्स जो एग्रीगेट में होना ज़रूरी है और आपकी 10वीं किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI इन द नोटिफाइड ट्रेड, जो भी रिस्पेक्टिव ट्रेड है उसमें ITI कर रखी हो। अभी मैं आगे आपको एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन प्रोसीजर और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सरकारी नौकरी की अपडेट्स मिल जाएंगी। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कैंडिडेट्स को 100 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी के रूप में पे करने हैं। और देखिए, भर्ती की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, यहाँ सीधी भर्ती होने जा रही है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली एक मेरिट लिस्ट बनेगी और जो लोग मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आता है उनको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। मतलब यहाँ पे ना तो कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई टेस्ट होने जा रहा है। तो ये बहुत सुनहरा मौका जो है वो भारतीय रेलवे ज्वाइन करने का आ चुका है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो 15 सितंबर 2020 है और यहाँ टाइम भी दे रखा है 10:00 PM तक। तो आपको अपने जो आवेदन है वो 15 सितंबर 2020 से पहले जमा करने हैं। अब आपको कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ढूंढ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, ये तो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से आ रही अप्राइंस की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज, जैसे कि 4499 वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो dailynaukri.com का फर्स्ट लिंक दे रखा है आप उस पर क्लिक कीजिए। उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।